हनुमान बेनीवाल जी, आप दो बार सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद हैं। आप निर्दलीय भी बने, आज बीजेपी से समझौता करके भी बने हैं, बीजेपी से इंडिपेंडेंट भी बने हैं, आज हमारे सहयोग से हमारे साथ मिलकर के आप एमपी बने हैं। आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें, संस्कारित रखें, आपका अधिकार है, आप लड़िए, जीतिए अगर आपको जनता जिता दी है तो। लेकिन हमारे किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी नेता के लिए अपनी छोटी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कम से कम अपशब्द मत बोलिए। मुझे बेहद अफसोस हुआ जब वो दिव्या मदेरणा जी के लिए पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे थे, मुझे खुद से शर्म आ गई। मैं नीचे जमीन में देखने लग गया कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक सम्मानित सांसद को नहीं करना चाहिए। हम 36 कौम के लोग, हम साथ रहते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। चुनाव जीतिए, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना अधिकार है, लेकिन इस तरीके की बात करके आप इस राजस्थान की गौरवशाली परंपरा, संस्कार, शिष्टता, शालीनता, शिष्टाचार, इसको आप दाग मत लगाइए। आपको कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं आपके लिए, पहले किया होगा, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। इस उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल जी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, खीव सर के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। भाई साहब है, अच्छा हुए जी, कोई बात हुई, बहन बेटी को गाली दो, हर व्यक्ति को गाली दो, हर के लिए चाहे जैसे बहलो। अरे आप अपनी पार्टी के सुप्रीमो हो, अपनी पार्टी में कुछ भी करो। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, बलदेव राम मिर्धा जी, राम निवास मिर्धा जी, नाथुराम मिर्धा जी, वसुंधरा राजे जी, ज्योति मिर्धा जी, रिछपाल मिर्धा जी, परशुराम मदेरणा जी, महिपाल मदेरणा जी, दिव्या मदेरणा जी, हरीश चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, राजा राम मील साहब, गोविंद डोटासरा, नारायण सिंह जी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उमेदा राम बेनीवाल और नारायण बेनीवाल, रेवंत राम डांगा, रामेश्वर डूडी, सारे बेकार हो गए आपके लिए। ये कहां से लाए भैया? अरे कोई तो भला होगा, ऐसा नहीं होता।